जागो जज्जर टीम ने 20 दिन पहले एक वादा करा था और हजारों की संख्या में व्यापार मंडल और मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर एसोसिएशन, ऑटो रिक्शा मार्केट, प्रिया कॉलोनी, छावनी, सीताराम गेट, सभी एसोसिएशन, संघर्ष समिति, सब ने चोर लगा करके हजारों की संख्या में आकर के आज इस प्रशासन के आंख कान खोलने का काम किया है। 20 सूत्रीय ज्ञापन दिया है और 2 महीने का समय दिया। अगर इन 2 महीनों में इन 20 सूत्रीय कार्यक्रमों में, क्योंकि कुछ तो प्लानिंग की है जो लंबे समय की बात है, लेकिन कुछ त्वरित कार्रवाई वाली है, जैसे प्रिया कॉलोनी की, रणिये की, इन चीजों की, जो नर्क में जी रहे नागरिक, उनको समाधान देने के लिए हम जो है उनको निश्चित समय दिया है। उस निश्चित समय में अगर ये नहीं जागेंगे तो 2 महीने बाद 15 सितंबर के बाद इस शहर के अंदर भूख हड़ताल, आमरण अनशन और चक्का जाम करने का काम जागो जज्जर की टीम करेगी। मुख्य मांगे क्या है वो मैं जो है, क्योंकि पब्लिक जो है काफी उसमें, मुख्य मांगे है कि सबसे पहले सड़कें दुरुस्त हो, अच्छी बने, पार्कों का मेंटेनेंस हो, ये जो नर्क बना पड़ा है कॉलोनियों में इनका पानी निकले, और लंबे टाइम के लिए प्लानिंग ये है कि जज्जर में ड्रेनिंग सिस्टम जो है वो पूरा रिवाइज हो। बस अड्डे में जो पानी भरा है उसका एक प्लानिंग दिया हमने कि इस बस अड्डे की जगह को जज्जर के लिए, नागरिकों के लिए यूज कीजिए, यहाँ पे एक मिनी बस स्टैंड बनाइए जहाँ लोग जो है दुकानदार भी दोबारे से सांस ले लें, उनकी उनकी जो रोजी रोटी चल जाए, और थाना यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए, वो वाला जो थाना है पुराना उसमें पार्किंग और कम्युनिटी सेंटर देना चाहिए, क्योंकि वो अंदर हो गया है, वो तो नागरिकों का काम आए और उसका अल्टरनेटिव जगह, और बहुत मांगे हैं। तो हम जो है एक मुख्य मांग है जिसको लेकर यहाँ चर्चा नहीं रही है, श्रीराम पार्क, वो भी हमने इसमें दिया है। श्रीराम पार्क के लिए हमने एक प्रपोजल दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी प्रशासन बनाए, और तीनों हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी, जिन्होंने झंडा फहराया था जज्जर की आन बान और शान के लिए अंग्रेजों से लड़े थे, उनकी तीनों की मूर्तियां इकट्ठी होकर लगे ताकि जज्जर के आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सके और उनके बारे में इतिहास हमेशा जागृत रहे। जागो जज्जर आप आगे क्या करेगा? जागो जज्जर 2 महीने का अल्टीमेटम है, इस बीच हम अपने अभियान को और चलाएंगे, लोगों में जाएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, और इसको जो आज आए हैं उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और जज्जर की जनता इस झंडे के नीचे खड़ी है, और आज इन्होंने मुझे पूरा पूरा भरोसा दे दिया है कि जागो जज्जर जो हमने बैनर बनाया वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जज्जर के लोगों के लिए अंतहीन समय तक लड़ाई लड़ता रहेगा, ऐसा मेरा मानना।